वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी चैप्टर से रिलेटेड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की एक प्रॉपर्टी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या कलर डिस्कस करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं, लगभग सभी कंपाउंड्स के जलीय विलयन रंगीन होते हैं। अब क्या ऐसा कारण है या क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस और कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें रंग कब दिखाई देता है, जब विजिबल यानी कि दृश्य क्षेत्र में उस पदार्थ द्वारा ऊर्जा का अवशोषण हो, तब वह पदार्थ, वह कंपाउंड या वो कॉम्प्लेक्स हमें कलर्ड दिखाई देगा। अब ऊर्जा का अवशोषण कब हो सकता है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास में एनर्जी के दो लेवल्स हों, लोअर और अपर, और इनके बीच में जो गैप है, तो आप ये मान के चलिए कि जो लोअर लेवल पर ऑर्बिटल्स हैं, जो कक्षक हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हायर एनर्जी पर जो स्तर हैं उनमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होने ज़रूरी हैं। यानी कि अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र संभव है, और उसमें जो ऊर्जा का जो डिफरेंस है वो विजिबल यानी कि दृश्य क्षेत्र में पड़ता है, तभी वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हमें कलर्ड दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। चूँकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो हिस्सों में बंट जाते हैं, T2g और EG में। T2g में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, DXY, DYZ, DZX, और EG में जो दो कक्षक, डी कक्षक जो दो हैं वो होंगे DX2, Y2 और DZ2। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि T2g जो है वो लोअर एनर्जी पर है और EG हायर एनर्जी पर है, और इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते आए हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जिसे हमने कहा, और यहाँ पर हम इस एनर्जी डिफरेंस को शो कर रहे हैं कैपिटल E से। और आप सभी जानते हैं प्लैंक्स के नियमानुसार E इज इक्वल टू h nu या E इज इक्वल टू hc/λ। यानी कि जो एनर्जी है इन दोनों के बीच की, दोनों ऑर्बिटल्स के जो आपने ग्रुप्स लिए हैं T2g और EG की, उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो तरंग दैर्घ्य के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या प्रतिलोमानुपाती होता है। जितना अधिक एनर्जी डिफरेंस होगा, यानी E की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, लेमडा उतना ही कम होगा। अब हम कॉम्प्लेक्सेस के कलर का एक्सप्लेनेशन किस तरह से दे सकते हैं? तो जब भी किसी पदार्थ द्वारा किसी विशिष्ट रंग की तरंग दैर्घ्य वाले विकिरण का अवशोषण किया जाता है, कैसे समझ सकते हैं कि DXY, YZ और ZX में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी का अवशोषण करके हायर एनर्जी पर जाएगा, तो ये जो अवशोषित प्रकाश है इसके बाद में जो शेष प्रकाश बचा वो परावर्तित हो जाता है। यानी यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो प्रकाश का अवशोषण, उस अवशोषण की वजह से इलेक्ट्रॉन T2g से EG में जा रहा है, और जो शेष प्रकाश बचा उसका क्या हो रहा है, परावर्तन। तो ये जो आपका परावर्तित प्रकाश है इसकी वजह से कलर दिखाई देगा। तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल अवशोषित होने वाला प्रकाश नहीं है, क्या रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रकाश परावर्तित हो रहा है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। यानी कि अवशोषित होने वाले प्रकाश का कुछ कलर होगा, कुछ उसकी विशेष तरंग दैर्ध्य होगी, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगा, हमें दिखाई देता है जो प्रकाश परावर्तित होता है, और उसकी वजह से जो कलर हम देख पाते हैं दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और वही उस पदार्थ का रंग होता है। अब यहाँ आप एक टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में सबसे पहले वाले कॉलम में है अवशोषित रंग, दूसरे में है पूरक रंग, और थर्ड कॉलम इज तरंग संख्या।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर अवशोषित होने वाला प्रकाश पीले हरे रंग का है तो पूरक रंग पीला हरा नहीं होगा, वो होगा जो शेष प्रकाश परावर्तित हुआ, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया लाल बैगनी। इसी तरह से अगर अवशोषित रंग पीला है तो पूरक रंग आएगा जामुनी, आप ये वॉलेट कलर देख पाएंगे। इसी तरह से अगर एब्जॉर्ब होने वाला जो लाइट है दैट इज ऑरेंज, इन दैट केस द कॉम्प्लीमेंट्री कलर वुड बी ब्लू। अगर अवशोषित होने वाला रंग लाल है तो पूरक रंग नीला और हरा होगा, और इस तरह से आप इस टेबल में अवशोषित रंग और उसके पूरक रंग क्लियरली देख रहे हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग जो तरंग संख्या है वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। अब दो एग्जांपल्स से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ एक एग्जांपल लिया गया है, एग्जांपल वन, वो है मेटल का जलयोजित कॉम्प्लेक्स, यानी कि MH2O होल N, और पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है प्लस X। तो व्हाट इज N? N है उस धातु की समन्वय संख्या, उतने ही H2O मॉलिक्यूल्स उससे जुड़े हुए हैं, और X क्या है? उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था। अब जो एनर्जी डिफरेंस है वो किस किस के बीच में लेंगे? T2G और EG के बीच में, और उस एनर्जी डिफरेंस को हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा ई से। और ये जो डेल्टा ई का मान है ये विकिरण के दृश्य क्षेत्र में आना चाहिए, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 400 से 600 नैनोमीटर की रेंज में अगर ये आ रहा है तो हमें वो कलर्ड दिखाई देगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करके जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी के लेवल में चला जाता है, और इसमें प्रकाश के किसी एक रंग की तरंग दैर्ध्य का अवशोषण होता है, और जो शेष लाइट हमें परावर्तित होकर मिलती है वो कलर हमें उस कॉम्प्लेक्स का दिखाई देता है। इसी तरह से हम एग्जांपल टू ले सकते हैं, टाइटेनियम का। टाइटेनियम का हमने हेक्सा एक्वो कॉम्प्लेक्स लिया है, और क्योंकि इसके अंदर भी ये अवशोषण और परावर्तन विजिबल रीजन में पड़ रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? कलर्ड है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के कलर को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? What are the factors which are responsible for the color of any transition metal complex? तो इसके लिए हम कुछ factors discuss करेंगे, and number one is संकुल में electrons का number, अयुग्मित electrons की संख्या संकुल के metal ion के ऊपर। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने एक टेबल बना रखी है, और उस टेबल के फर्स्ट कॉलम में विन्यास दिए हुए हैं D0 से लेकर के D10 तक, और सेकेंड कॉलम में दिए हुए हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब हम सबसे पहले बात ये करते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या D0 विन्यास में 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या D0 में कितनी आ रही है? 0। और इसी तरह से D10 में, यानी कि सारे D कक्षक क्या हैं? भरे हुए हैं, सबका युग्मन हो चुका है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0 हैं। और बाकी के जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ शो किए हैं उसमें कुछ ना कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उपस्थित है। अब आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर विन्यास D0 है या D10 है तो वह जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कैसे हैं? रंगहीन हैं, यानी कि कलरलेस हैं। क्या कारण है? कि इन दोनों ही स्थिति में T2G से EG की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र संभव ही नहीं है, क्योंकि D0 में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और D10 में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे भरे हुए हैं और वो युग्मित हैं, इसलिए T2G से EG तक एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। सो D0 और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर कलरलेस। यहाँ आप इस टेबल में देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बाद में आयन लिखा हुआ है, ये एक एग्जाम्पल है। जैसे कि स्केंडियम प्लस 3 है, वो D0 विन्यास है, स्केंडियम इज 3D1 4S2, तो स्केंडियम प्लस 3 का क्या मतलब हुआ? कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए, डी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। और इसी तरह से सभी जो विन्यास हैं उसके करस्पॉन्डिंग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और
आयंस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं और साथ ही जो लास्ट कॉलम है उसमें उनका कलर दिया हुआ है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि D0 और D10 रंगहीन है और बाकी सब में कोई ना कोई कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो दूसरा फैक्टर है जो कि कलर को अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ लिगेंड्स। आपको पहले वाले लेक्चर्स में ये बताया जा चुका है कि लिगेंड्स दो तरह के होते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा, यानी कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो T2G और EG के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा अगर हमारा जो लिगेंड है वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। और अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा आएगा तो लैम्डा कम होगा, क्योंकि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य। और इसी तरह से अगर हमारा लिगेंड दुर्बल है तो T2G और EG के बीच में मतलब स्प्लिटिंग कम होगी, और कम होगी तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा, E कम होगा तो लैम्डा ज़्यादा होगा और लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आपको कलर दिखाई देगा। नाउ द थर्ड फैक्टर इज चार्ज ऑन मेटल आयन। अब अगर हम किन्हीं दो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं जिसमें लिगेंड्स तो एक से हैं लेकिन मेटल पे चार्ज अलग अलग है, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर किसी मेटल पे ज़्यादा चार्ज है तो उसका लिगेंड से इंटरेक्शन अधिक होगा और अधिक होने की वजह से जो स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा होगी। T2G और EG में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा और लैम्डा कम होगा। अब हम फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं, ट्रांजिशन सीरीज। आपको पता है कि ट्रांजिशन सीरीज कौन कौन सी हैं, 3D, 4D, 5D और लास्ट इज 6D, जो कि अभी हम इनकम्प्लीट या ये मानते हैं कि वो सिंथेटिक एलिमेंट्स की है। तो जैसे जैसे संक्रमण वर्ग में, एक संक्रमण वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि 3D से 4D, 4D से 5D, तो ऊपर से नीचे जाने पर डेल्टा ई में वृद्धि होती है, जिसके कारण अगर समान संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी 3D, 4D और 5D संक्रमण श्रृंखला के जो आयन्स या कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके रंग कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्यों अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि डेल्टा ई अलग अलग है और डेल्टा ई अलग अलग होने की वजह से लैम्डा की वैल्यू भी, तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग आएगी। तो हम ये मान सकते हैं कि जो प्रथम संक्रमण श्रृंखला है उसके एलिमेंट्स की तुलना में द्वितीय और द्वितीय से तृतीय में डेल्टा ई का मान बढ़ता जा रहा है, लैम्डा कम होता जा रहा है और अलग अलग कलर्स हमको मिल रहे हैं। एंड द लास्ट फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इज आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब यहाँ क्या होता है कि हमने ऊपर जितने भी फैक्टर्स लिए उसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि DD ट्रांजिशन अगर संभव है तो आपको कलर दिखाई दे रहा है। T2G से EG में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये जो अवशोषण या जो परावर्तन है वो कैसा है, दृश्य क्षेत्र में आ रहा है, तो आपको कलर दिखाई देता है। और आपको ये भी बताया कि D0 और D10 विन्यास वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें मेटल का विन्यास D0 और D10 है वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, MnO4- Cr2O7-2, जिनमें DD संक्रमण संभव नहीं है। ये D0 विन्यास हो सकता है, D10 विन्यास हो सकता है, इवन देन ये कलर्ड हैं, यानी कि D0 और D10 विन्यास होने के बावजूद भी ये कलर शो कर रहे हैं, जबकि हम पहले आपको बता चुके हैं कि इन विन्यास वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कैसे होने चाहिए, कलरलेस होने चाहिए। अब इसका क्या रीज़न है, इसका क्या है कि हम ये मानते हैं कि जो संक्रमण तत्व के जो संकुल हैं उनके कलर मुख्यतः किस पर डिपेंड करते हैं, DD संक्रमण पर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स कलर्ड पाए जाते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसी है, जीरो है। और एग्जांपल हमने आपको क्या बताया, MnO4-, इसमें मैंगनीज पर एक भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी तरह Cr2O7-2, इवन देन दे आर
कलर्ड, और इनके क्या कलर है, गुलाबी है, पीला है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित नहीं पाए जाते। तो अब इनका रंग किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स के एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र के कारण। मतलब अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र T2G से EG तक तो संभव ही नहीं है, लेकिन एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे में, और अगर ये ट्रांसफ़र होता है तो इसकी वजह से ये कलर शो करता है। अब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या मतलब है कि सपोज कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि मेटल है और लिगेंड्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, मेटल से लिगेंड में ट्रांसफ़र हो गया। जो हमने पहले बात की वो क्या हो रही थी, सारा ट्रांसफ़र मेटल से मेटल, मतलब एक ही मेटल में हो रहा था T2G से EG में। लेकिन अब हम क्या बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से तो एक भी डी इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, तो इसलिए T2G से EG ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लेकिन मेटल से लिगेंड में या लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र संभव है, और इस ट्रांसफ़र की वजह से आपको जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा दिखाई देता है, कलर्ड दिखाई देता है। एंड दिस इज़ नोन एज मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। तो इस तरह से हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का कलर समझ सकते हैं, जबकि मेटल जो है वो लिगेंड के क्रिस्टल फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाता है। थैंक यू।